साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर जो नगर परिषद द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दिए गए धरने को लेकर ये लोग आज अभी उनके विरोध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुँच रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे। इन्होंने बताया है कि सफ़ी मोहम्मद द्वारा एक व्यक्ति द्वारा धरना दिया गया है, उसके विरोध में ये पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। तो यहाँ इनसे बात करेंगे, पूरा मामला इनसे जानेंगे क्या है। तो एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखा लेता हूँ, फिर इनके जो मुखिया है उनसे बात करते हैं क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कानपुरी गोस्वामी है। पुरी जी, क्या मामला है, क्या किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? सफ़ी मोहम्मद आदतन अपराधी प्रवृत्ति का, बदमाश प्रवृत्ति का, शरारत प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पूरा प्रशासन इस व्यक्ति को जानता भी है। हाँ। ये मेरे से रंजिश रखता है। इसने मेरे जब मैं मंदिर में पुजारी हूँ, जोगमाया मंदिर का 35 साल पुराना मंदिर है, इसके अंदर ये रंजिश रखता है कि दंगा फसाद हो, मुस्लिम और हिंदू का ये वार्ड है, इस आधार पे ये दंगा कराना ही चाहता है, लगातार प्रयासरत है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रशासन से विनती करता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। और ये जमीन मेरे पिताजी की रजिस्ट्री शुदा नगर पालिका आयुक्त साहब, नगर पालिका कलेक्टर महोदय और जयपुर तक मानते हैं कि ये जमीन इनकी है, रजिस्ट्री शुदा है, कब्जा शुदा है। लेकिन एक व्यक्ति ब्लैकमेल करने की दृष्टि से वो मेरे को परेशान कर रहा है। क्या उसने क्या किया? वो कह रहा है कि केबिन जो रखी है वो केबिन गलत है, जबकि मैं कह रहा हूँ नगर पालिका के जयन साहब और रहीन साहब ने फीता डाला और फीता डालने के बाद उन्होंने कहा कि ये जमीन जो नगर पालिका की नाली बनी हुई है वो भी आपकी जमीन अंदर है और आपके केबिन किसी भी तरीके से अतिक्रमण से मुक्त है। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति बार बार अनशन पे बैठ रहा है और परेशान कर रहा है। तो अभी आप किससे मिले? मैं आयुक्त साहब से मिल के आए। हम लोग गोस्वामी समाज और सिंधी समाज के बुजुर्ग लोग और जो सामान्य लोग हैं। अभी किससे मिले हो? अभी किससे मिले? हम एसपी साहब से मिल के आ रहे हैं। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने ये कहा डिप्टी साहब को दिए जांच और वो जांच करेंगे। इनके एडवोकेट भी साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका सर, और क्या मामला है पूरा? स्वरूप सिंह बदरू। मामला ये है कि ये कानपुर जी की खुद की पैतृक जमीन है और वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है और इसके कॉर्नर पे इनकी ज़मीन के अंदर ही इन्होंने एक अपना केबिन रखा है। तो केबिन इनकी ज़मीन के अंदर है, चाहे केबिन रखें चाहे बिल्डिंग बनाए। अब नगर पालिका के सामने कोई व्यक्ति है जो धरना दे के बैठा है कि जो केबिन है जो गलत जगह है उसको हटाया जाए, तो डॉक्यूमेंटली ये सही है। अब नगर परिषद के आयुक्त और भी लोग हैं जो चेयरमैन वगैरह, वो कह रहे हैं कि आप थोड़े दिन के लिए केबिन हटा लो तो ये व्यक्ति धरने से घर चला जाएगा, फिर वापस आएगा। ये कोई तरीका नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी तो मांग कुछ नहीं है कि भाई जो धरना देते रहे, हम तो नहीं हटाएंगे केबिन वगैरह। अगर नगर पालिका चाहे तो बुलडोजर से उसको हटा दे, देखा जाएगा। जो अन्याय हो रहा है, मैं मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहा हूँ, मेरी परेशानी दूर होनी चाहिए, मैं आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूँ। ले आओ दे कलेक्टर ज्ञापन। अभी सर साथियों ये कलेक्टर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुँच रहे हैं सभी। अरे ना कोपे करे ना दे हम दो में सजा।